आज हम भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों के बारे में डिटेल में जानेंगे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको जिंदगी को जीने का तरीका सिखाता है। भगवद गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लॉज हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम करते हैं। भगवद गीता से पहले हमारे पास हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को उनके आर्यपुत्र या भारतास के नाम से नवाजा था। यहाँ भाग का मतलब है लाइट और रता का मतलब है सेलिब्रेशन। इससे भारतास का मतलब होता है रिवेलिंग इन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के प्रकाश का आनंद उठाना। इस फिलॉसफी से हमें सक्सेस, हार्मनी और आध्यात्मिक विकास मिला है और लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का माहौल मिला है। भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हारने लगे थे और अपने परिवार, गुरु और मित्रों के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के संदेश ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया था। भगवद गीता को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके हर एक पार्ट में 6 अध्याय हैं। ये 3 भाग हैं, त्वम, तत्, असि। भगवद गीता का सबसे पहला भाग त्वम के बारे में बताता है, जिसका मतलब है तुम, यानी कि हर एक इंसान। यहाँ भगवद गीता में बताया गया है कि आपको समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मतलब क्या है और आपको उसके अनुसार काम करना चाहिए। भगवद गीता के दूसरे भाग में तत् के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब है सुप्रीम रियलिटी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ में भगवान है और सब चीज़ें भगवान में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी चीज़ें अपने अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर बताई हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को नाम दिया और उन सब चीज़ों को भगवान बताया। उन्होंने सारी चीज़ों को एक जगह रखा और बताया कि ये विश्व रूपों का स्वरूप है, जो उनका विराट स्वरूप है। भगवद गीता का तीसरा भाग असि के बारे में बताता है, जिसका मतलब है भगवान और इंसान के बीच का रिश्ता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये पूरा जगत 3 गुणों का बना हुआ है। तमस मतलब अज्ञान या अंधकार, राजस मतलब कर्म और सत्वा मतलब संतुलन। ये तीनों हमें बांधे रखती हैं और हमें सच्चाई से वाकिफ कराती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप भगवद गीता में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में सभी 18 अध्याय को डिटेल में बताया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अध्याय 1, अर्जुन स्क्रीफ, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता के पहले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ये मैसेज देते हैं कि हमारे सारे दुख और दर्द का मूल कारण ये है कि हम उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में, जब वह तलवार को लटका के बुलंद गर्गना के साथ जब सेनाएं चिल्ला रही थी, तब भगवद गीता का ज्ञान दिया था। संघर्ष हर जगह है, पर जितना जल्दी हम उस संघर्ष की सच्चाई को और उससे होने वाले असर को पहचान लेंगे, उतना ही जल्दी हम हमारे व्यक्तिगत, व्यवसायिक और आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक हमें रोग का पता ही नहीं है, तब तक हम उसकी दवाई नहीं ले सकते। उसके अलावा हम सारी मुश्किलों का अकेले समाधान नहीं निकाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम अकेले उसको या तो डिले कर सकते हैं या उसका रूप बदल सकते हैं। संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं, चीज़ों का, मानसिक या आध्यात्मिक। पहले प्रकार का संघर्ष हर जगह है, जैसे कि 2 एटम एक दूसरे से टकराते हैं। हम इंसानों का संघर्ष हर एक लेवल पर होता है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या फिर भाई बहनों के साथ या फिर अपने पति पत्नी के साथ, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ, या चाहे वो हमारे अपने देश या राज्य के साथ ही क्यों ना हो। चीज़ों से जुड़े हुए संघर्ष को डील करने के लिए हमें जानना होगा कि किसी भी सिचुएशन में कैसे काम किया जाए और क्या बोला जाए। दूसरा संघर्ष यही बताता है कि हम हमारी चीज़ों से जुड़े संघर्ष में कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, जो कि हमारी मानसिक सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हमारा माइंड हमेशा हमारे लॉजिकल माइंड और हमारे ईगो के बीच में संघर्ष करता है। हमारा सबसे पहला संघर्ष हमारे माइंड में पैदा हुए ईगो के साथ होता है, जो हमारी सिचुएशन को ज़्यादा सरल या फिर उसको ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है और हम हर सिचुएशन को लड़ाई के नज़रिए से देखने लगते हैं। इससे ये हमारे माइंड के सही सोचने समझने वाले हिस्से को शांत कर देता है, और जब हमारा रैशनल माइंड एक्टिव होता है, तब हम सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि हम संघर्ष के आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा हमारे माइंड में ही बातें करते रहते हैं। चलो वापस से चलते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहाँ अर्जुन फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जब अर्जुन इस संघर्ष में फंसे हुए थे, तब वो अपने लॉजिकल माइंड में क्लियर थे कि वो एक योद्धा हैं और वो इस रणभूमि में अपने दुश्मनों से किसी कारण ही लड़ने के लिए उतरे हैं।
पर जब वो योद्धा की दूसरी साइड जहां उनके परिवार वाले और रिलेटिव्स दुश्मनों की जगह खड़े हैं, तब उनका रैशनल माइंड संघर्ष और विचारों में डूब जाता है और कहता है कि क्या मुझे अपने परिवार वालों को मारना चाहिए या मुझे अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए। पर थोड़े ही टाइम में उनका पुरानी सोच रखने वाला माइंड उनके रैशनल माइंड पर कंट्रोल कर लेता है और वापस शांत मोड में चला जाता है। उनका माइंड उनको ये बताने लगता है कि योद्धा बनने से तो अच्छा है कि मैं भाग जाऊं और साधु बन जाऊं। यही सब सोचते सोचते उनके दिमाग में और ज़्यादा संघर्ष हो जाता है और वो रणभूमि के बीच में ही टूट जाते हैं। वो लड़ने को भी तैयार नहीं थे, ना ही उन्हें क्या करना है ये डिसाइड कर पा रहे थे। उनको बस इन सब चीज़ों से भाग जाना था। हम सभी ऐसी सिचुएशन में कभी ना कभी आते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवद गीता की एक अच्छी बात यह है कि वो हमें ऐसी दो लेवल की सिचुएशन को कैसे डील करना है वो सिखाती है। इसलिए संघर्ष से बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि के बीच में ले गए, जहाँ से वो दूसरी साइड खड़े अपने माता पिता, गुरु और परिवार को आसानी से देख सके। ऐसा करने से अर्जुन की आइडेंटिटी का तीसरा संघर्ष सामने आता है। यहाँ अर्जुन सोचने लगते हैं, मैं कौन हूँ? क्या मैं एक योद्धा हूँ जो कुछ कारणों के लिए लड़ता है, या मैं अपने गुरुओं का एक प्यारा छात्र हूँ? अगर मैं योद्धा हूँ तो मुझे पांडव की सेना में होना चाहिए, और अगर मैं एक छात्र हूँ तो मुझे कौरव की सेना में रहना चाहिए। मैं अपनी पहचान को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि मैं सब छोड़ दूँ, जो कि एक सबसे सरल उपाय है। किसी भी चीज़ से अपने आप को पीछे हटा लेना मतलब अपने फेलियर से अपनी ईगो को जवाब देना है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन इस संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, तब वो अपने हर जवाब को रणभूमि को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहे थे। हम सब यही करते हैं जब हम किसी भी तरीके के संघर्ष में पड़ते जाते हैं। हम हमेशा सब कुछ छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सारे लॉजिक्स, भगवान और धर्मों का इस्तेमाल सब चीज़ों से भागने के लिए करते हैं, ताकि हम खुद को और दूसरों को जस्टिफाई कर सकें। इस प्रकार के कन्फ्यूजन को भगवद गीता में तीसरे तरह का संघर्ष, जो कि आध्यात्मिक संघर्ष है, उससे रिलेट किया गया है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्या हैं, भगवान क्या है और हमारा उनसे क्या रिश्ता है, हम कभी भी हमारी चीज़ों के और मानसिक संघर्ष को सुलझा नहीं पाएंगे। यही संसार की समस्या है कि हम सभी कहीं ना कहीं हर चीज़ से अटैच्ड हैं, उदास हैं और कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं। इसमें भगवद गीता ये बताना चाहती है कि जब तक हम खुद से सुखी नहीं होते हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं बाहरी मदद की खोज में निकल जाते हैं, जो आगे जाकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी और किसी अटैचमेंट में बदल जाती है। ये सब आगे चलकर परेशानी देता है, और परेशान दिमाग हमेशा गलत जजमेंट देता है और चीज़ों को और मुश्किल बना देता है। यही चीज़ें अर्जुन के साथ हो रही थी, और वो अटैचमेंट के आवरण से घिर जाते हैं, जिससे उनकी जो विशेष ताकत है वो नाकाम हो जाती है और वो लगातार गलत डिसीजन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस चैप्टर में अर्जुन अपने आप को लगा, उदासीनता और माया के बड़े समुंदर में महसूस करते हैं। उनको इन सब का उपाय निकालना है, पर उनको यही दिख रहा है कि रणभूमि को छोड़ना ही सबसे सही उपाय है। पर हकीकत में उनका लॉजिकल माइंड इस बात से सहमत नहीं है, और उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि उपाय ढूंढना उनके हाथ में नहीं है। वो श्री कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो थोड़ी कन्फ्यूजन में पड़ गए और बड़े उदास होकर अपने रथ पर बैठ गए। अध्याय 2, युग ऑफ नॉलेज, संख्या योग। यहाँ से हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सफर शुरू करेंगे, जो भगवद गीता का बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय में गीता के बहुत सारे श्लोक हैं, जो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस अध्याय में हम व्यावहारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि गीता ऐसे सभी पहलुओं को सिखाती है जो हमारे जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी हैं। ये अध्याय कुरुक्षेत्र की रणभूमि से शुरू होता है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनको इस मुश्किल सिचुएशन में गाइड करने की प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पलटकर जवाब में उनका विरोध करते हैं और उनको अस्थायी शरीर और आध्यात्मिक शरीर के बीच का अंतर बताने लगते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बिना कोई स्वार्थ किए गए काम से उच्चतम और अच्छा इंसान, जो अपना विकास खुद करता है, इस पूरी जर्नी का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण समझाते हैं कि लड़ाई करना उनका कर्तव्य है और उनको अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिमाग की इच्छाओं को नज़रअंदाज करने को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं
कि उनको क्यों लड़ना चाहिए, और इसको श्री कृष्ण ने बुद्धि योग, जिसका मतलब है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसके लिए काम करना, इस चीज से वाकिफ कराते हैं। यहाँ पर अर्जुन उलझन में है और चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनको बुद्धि योग को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए रास्ता दिखाएं और उनको ये रणभूमि छोड़ने से बचाएं। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और आगे की अनुदेश की मांग करते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य के लिए उलझन में हूँ और मैं कमज़ोर होने के कारण अपने दिमाग का संतुलन खो चुका हूँ। इस सिचुएशन में मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने अपने आप को आपके आगे समर्पित कर दिया है, कृपया करके आप मुझे गाइड करें और मुझे जो मेरे लिए सही है वो रास्ता दिखाएं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी शिक्षा को संख्या नीति से समझाते हैं, जिसका मतलब है सारी चीज़ों और आत्मा का विशेष अध्ययन करना। अर्जुन को अपने परिवार वालों के मरने का डर है, पर श्री कृष्ण उनको अपनी सही जिंदगी के बारे में जागरूक कराते हैं, जिसमें वो उनकी आत्मा और उनके बाहरी शरीर के रिलेशन के बारे में बताते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, ना ही कभी मरती है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे नए शरीर में चली जाती है। जब भी कोई मरता है तो उनकी आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, इसी तरीके से हमारी आत्मा नए शरीर को स्वीकार कर लेती है और पुराने शरीर का त्याग कर देती है। इसी तरीके से हर एक बुद्धिमान इंसान कभी भी बाहरी चीज़ों के बदलाव से परेशान नहीं होता है और वह अस्थायी परिवर्तन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा वो अपने शरीर के सुख या दुख की भी परवाह नहीं करता है। एक क्षत्रिय का धर्म अपने बाहरी शरीर से मुक्ति पाना है। हमें ये समझना चाहिए कि मेरा असली आत्मसम्मान अंदरूनी है और वो कभी नहीं मरेगा। यहाँ अर्जुन का कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के लिए लड़ाई करना है और उसमें उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब हम सर्वश्रेष्ठ शक्ति के प्रति बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते हैं तो वो इंसान शारीरिक बंधनों के जाल से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय के अगले भाग में श्री कृष्ण स्थिता प्रांजन के बारे में बताते हैं और इंसान की जागरूकता के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से इंसान अपनी आइडेंटिटी को अपनी अवेयरनेस के साथ जोड़कर मेटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवादी दुनिया से अलग हो जाता है। मन और बुद्धि से नियंत्रित इंद्रियों के साथ इंसान भौतिक परेशानियों जैसे सुख और संकट, हानि और लाभ से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। ऐसा इंसान मन की आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को ये सीख मिली कि वो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी ताकत ना दिखाएं, पर अपने इंटेलिजेंस को भी गहराई से समझें और आगे बढ़ें। अध्याय 3, कर्मयोग। जब अर्जुन उलझन में थे और श्री कृष्ण उनको कार्यरत रहने के लिए सही रास्ता और समझ दे रहे थे, उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को संख्या और कर्म के बारे में बताया, जिसका मतलब है ज्ञान और कार्य करना। श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं कि सही काम करना भी एक तरीके की पूजा ही है, जो काफी महान पुरुषों ने ऐसे काम करके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। श्री कृष्ण अपना ही एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने काफी सारे काम बिना किसी आशा को रखकर किए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सही ईगो के साथ किए गए काम और ऐसा नहीं सोचने के लिए उत्साहित करते हैं कि ये काम मैंने किया है। वो अर्जुन को ये बताना चाहते थे कि हमारा हर एक काम कहीं ना कहीं हमारे हर एक गुण पर काम करने वाला गुण होता है। श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि ये बेहतर रहेगा कि अगर वो अपना काम अच्छे से करे और दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचने से बचे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को ये पूछा कि इंसान का कौन सा काम उनको बुराई की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि हर एक इंसान का काम उनके गुणों के ऊपर डिपेंड है। जैसे राजस गुण, इसका मतलब है कि इस इंसान के पास जुनून और लड़ने की क्वालिटीज हैं। गुणों के कारण ही इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए काम करता है और कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, जिससे वो बुरे काम करने लगता है। इन सबको दूर करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना दिमाग हमारी सेंसेस से स्ट्रांग रखना चाहिए और हमारी स्वयं की समझ हमारे दिमाग से स्ट्रांग होनी चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय जाति के हैं, इसलिए उनको एक युद्ध के मार्ग पर चलना शोभा देता है। अगर कोई ब्राह्मण या पुजारी जाति का है तो वो योग्य ज्ञान और समझ के लिए जाना जाता है। ये सब ध्यान और शास्त्रों में बताया गया है। श्री कृष्ण गुण की बात करते हुए ये बताते हैं कि कर्म करना और कर्म ना करना तीन गुणों पर आधारित है, जो है सत्व मतलब शुद्धता और परिपूर्णता, राजस मतलब जुनून, तमस मतलब अंधकार या विनाश। इन सभी का संतुलन पूरी दुनिया में संतुलन फैला देता है। अध्याय 4, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन।
ज्ञान कर्म, सन्यासियों, पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक का सफर, हमें हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारी व्यक्तित्व को धीरे धीरे आगे बढ़ने की बातों के बारे में बताता है। पहला अध्याय हमें स्वार्थी व्यवहार के बारे में बताता है, जिसमें हम हर चीज़ में अपना ही फायदा देखते हैं, पर जैसे जैसे हम दूसरे और तीसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो हमें निष्काम कर्म मतलब स्वार्थहीन काम से रूबरू कराता है। चौथा अध्याय हमें उससे भी आगे के लेवल पर ले जाता है, जिसका शीर्षक है ज्ञान कर्म, संन्यास योग। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान मतलब कि हमारी आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान और उनके साथ हमारा रिश्ता, ये दोनों ही शुद्ध और मुक्त हैं। श्री कृष्ण पहले समझाते हैं कि हर एक को अपना ज्ञान पहले एक विद्यार्थी की तरह, फिर उनकी दिखावट की तरह और बाद में एक मिशन की तरह लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका धार्मिक कार्य ही आपका अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा का उनके भारी शरीर से क्या रिश्ता है वो समझाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर रोशनी डालते हैं और अर्जुन को विनती करते हैं कि अपने आप को अपने ज्ञान से बांध लो, जो उनके बुरे बर्ताव को जलाकर राख में बदल देगा और रणभूमि में लड़ने की आशा देगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्राचीन उपदेश दे रहे हैं। ये सब ज्ञान अर्जुन को देने से पहले श्री कृष्ण काफ़ी बार ये दूसरे लोगों को दे चुके हैं, पर वो वक्त के साथ मिट गया और समय में खो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण सूरज की उत्पत्ति के अनगिनत कल्प बाद पैदा हुए थे। यहाँ श्री कृष्ण ये साफ करते हैं कि वो अनगिनत बार पैदा हुए हैं, और जब लोग लड़खड़ाने लगे और सफलता की बातों में उलझने लगे, तब वो इंसान के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए। इस रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का मुश्किल रूप समझने में मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान की पूजा काम के द्वारा भी की जा सकती है। यहाँ पर वो कर्म और कर्म करने वाले दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। हम पूजा काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, ध्यान, खुद को स्वीकार करके और शास्त्रों को पढ़कर भी कर सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस हमारे अच्छे काम का परिणाम है, और वो तभी आती है जब हमें हमारी लाइफ में एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला गुरु मिले। श्री कृष्ण यहाँ सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान की शिक्षा देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बलिदान का मतलब है एक पवित्र अग्नि के चारों ओर जल या भोजन जैसे अनुष्ठान या इनका चढ़ावा अर्पित करना। इस मार्ग में श्री कृष्ण अर्जुन को विशेष रूप से कर्मयोग अर्थात सही कर्म के रास्ते पर अग्रसर कर रहे हैं। सभी रास्ते मुख्य रूप से सही कार्य करने के लिए पैदा होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन पर जोर देते हैं कि ज्ञान सही कर्म या पूजा के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो कर्मयोग के अभ्यास से आया है, जो स्थित की प्रकृति और इंद्रियों की मायावी दुनिया से परी सत्य को देखने की क्षमता को समझकर प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 5, योग ऑफ ट्रू रिनन्शिएशन, कर्म संन्यास योग। हमने अध्याय 4 में देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञान में भक्ति और निष्क्रियता दोनों काम करते हैं। पांचवें अध्याय में श्री कृष्ण की चेतना, जो ज्यादातर कर्मयोग से जानी जाती है, उसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण की चेतना हमें भगवान के संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताती है। इसी तरीके से उनकी चेतना भक्ति योग से रिलेटेड है, और ज्ञान योगी हमें भक्ति योग की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण की चेतना का सही मतलब ये है कि हमें हमारे सारे काम एक डेडिकेशन यानी कि निष्ठा के साथ करने चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता ज्ञान और संतोष के साथ अच्छा रहे, और यही श्री कृष्ण का असली ज्ञान है। जब हम श्री कृष्ण की चेतना की बात करते हैं, तब वो हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाता है। जो इंसान अपने किसी भी काम के लिए किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रखता है, उसे एक संतुलित इंसान कहा जाता है। जो इंसान हमेशा निष्ठा के साथ काम करता है, वो कभी भी किसी चीज़ में शामिल नहीं होता, पर एक लोभी इंसान हमेशा किसी न किसी चीज़ में शामिल होता है। इसका मतलब है कि बेमतलब अपनी टांग अपने फायदे के लिए लड़ाता रहता है। कई ज्ञानी लोग अपना काम पूरी निष्ठा और लगाव से नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रभु यानी कि श्री कृष्ण की मर्जी से हुआ है, पर अंदर ही अंदर वो लोग फल की इच्छा रखते हैं। इसके बाद समझदार इंसान हमेशा उत्तम ज्ञान में रहता है और हमेशा शांति, अलगा, धीरज, आध्यात्मिकता की ओर देखता है और खुश रहता है। इसके अलावा जो इंसान श्री कृष्ण की चेतना में रहता है, वो अपनी सूझबूझ और शक्ति के साथ किसी और से कोई अपेक्षा नहीं रखता और किसी भी चीज़ से दुखी या उदास नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा उत्तम मंच या ब्रह्म निर्वाणा दुनिया में रहता है। जो इंसान श्री कृष्ण चेतना में रहते हैं, वो हमेशा शांति में रहते हैं, किसी भी प्रकार के मेटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवादी जीवन के बिना।
श्री कृष्ण किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करते हैं, पर वो उनका व्यवहार उन लोगों के साथ उनके द्वारा किए गए कर्म पर आधारित होता है जो किसी को भी अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने में और सारी इच्छाएं और गुस्से को छोड़ने में मदद करता है। किसी भी प्रकार का रिजेक्शन हमें संख्या योग या फिर एक बुद्धिमत्ता और ज्ञान की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण हमें सच्चाई के रास्ते पर और खुद से भी सच बोलने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम इसमें से कोई एक रास्ता चुन लेते हैं तब हम दोनों रास्तों को पा लेते हैं। हम लोग मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगा के सारे सांसारिक सुखों को छोड़ सकते हैं और शास्त्रों को पढ़ने से खुद को समझने की बुद्धि मिलती है और हम काफ़ी दुखों से बाहर निकल सकते हैं। कर्म योग का रास्ता भी हमें काफ़ी शांति देता है। श्री कृष्ण यहाँ दोनों रास्तों का अंतर समझाते हैं और कहते हैं कि कई लोग अपने हालातों के कारण अस्वीकारे जाते हैं और कई लोग जैसे कि अर्जुन योग से अपने आप को काबिल बनाते हैं। अध्याय 6 द योगा ऑफ मेडिटेशन ध्यान योग। भगवत गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे सन्यासी जो किसी भी तरीके का लगाव और उनका हाव भाव कैसा होता है उसके बारे में समझाते हैं। जब हमारा कर्म योग के लिए ज्ञान और त्याग बढ़ने लगता है तब हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसको ज्ञान योग कहते हैं, जो मेडिटेशन की अलग अलग तरह की शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा ध्यान से रिलेटेड है और हमारा माइंड एक जगह पर केंद्रित होता है जिसको अष्टांग योग या ध्यान योग कहते हैं। कर्म योग में इंसान को अपनी ही इच्छाओं का त्याग करना होता है। यहाँ पर लोग अपने आप को मन शरीर और इंद्रियों के द्वारा आगे ले जाना चाहते हैं, बल्कि हमें उनको काबू में करना है। जो कोई भी योग का अभ्यास करना चाहते हैं उसे ध्यान के अभ्यास में महारत हासिल करनी चाहिए, जिसमें साफ फर्श पर बैठना, कपड़ों से ढके रहना, आसन को सीधा रखते हुए और सोने और खाने में संयमित होकर एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इससे मन को शांति मिलती है। योग का यह अभ्यास इंसान को दुखों से मुक्त करता है। इसके जवाब में अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं, दिमाग कैसे शांत हो सकता है? वो उतना ही मुश्किल है जितना हवा को कंट्रोल करना। श्री कृष्ण इसके जवाब में कहते हैं कि ये मुश्किल जरूर है, पर वो आत्मसंयम और आत्मनुशासन से हासिल किया जा सकता है। श्री कृष्ण उनको इस बात से भी आश्वस्त करते हैं कि अगर कोई इंसान अनुशासित नहीं है पर अपने आप में विश्वास रखता है तब भी वो इंसान कहीं खोता नहीं है। अच्छाई और ज़्यादा अच्छाई को बढ़ाती है और वो इंसान जिसमें आत्मसंयम नहीं होता उस इंसान को भी जिंदगी में शांति और जीवन का लक्ष्य मिल ही जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि योग की प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल भाग अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी माइंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस है बेचैन रहना, अस्थिर होना और मजबूत स्वभाव। इस योग की प्रैक्टिस करने में उनकी असमर्थता दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब से हम निरंतर अभ्यास और लगन से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान उनके अभ्यास में फेल होता है वो अच्छी बुद्धिमत्ता वाले उत्तम परिवार में जन्म लेता है और ऑटोमेटिकली योगिक प्रिंसिपल की तरफ अट्रैक्ट होता है। श्री कृष्ण इस अध्याय के आखिरी 2 श्लोक में समझाते हैं, योगी हमेशा तपस्वी से बड़ा होता है। इसका मतलब ज्ञानी और कर्मी है। अष्टांग योग का लक्ष्य भक्ति योग से हासिल किया जा सकता है, जिसमें माइंड बॉडी आत्मा और सेंसेस को इन्वॉल्व करना होता है। सभी योगी श्री कृष्ण को एक परमात्मा के रूप में देखते हैं। अध्याय 7 नॉलेज एंड विजडम ज्ञान विज्ञान योग। पहले के 6 अध्यायों में श्री कृष्ण ने इंसान को अपना जीवन जीने के लिए मेटेरियलिस्टिक दुनिया से कैसे परफेक्शन की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी और ज्ञान दिया है। पर इस भाग में अर्जुन अपनी जगह से हिले नहीं। अर्जुन के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उसी ज्ञान को अपनी सूझबूझ से चतुराई में बदलना है। ये हम सबके साथ होता है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना और उसी काम को करना, इन दोनों में काफी फर्क होता है। हम सब ज्ञान की बातें करते हैं। अध्याय 6 में श्री कृष्ण मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं, पर अर्जुन को अभी भी सवाल है कि हम किस पर और कैसे मेडिटेशन करें। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने इसी सवाल का जवाब दिया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमें उनको अपने ध्यान में लाकर मेडिटेशन करना चाहिए और वही हमारे ईश्वर हैं ऐसा मानना शुरू कर देना चाहिए। श्री कृष्ण वादा करते हुए कहते हैं कि हमें ज्ञान और चतुराई को एक साथ जोड़कर उनको जानना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं आपको सारी चतुराई का ज्ञान यहाँ दे दूंगा और इस दुनिया में इससे आगे कुछ जानने को बचा ही नहीं है। वो आगे कहते हैं कि इन हजारों लोगों में से कोई एक ही परफेक्शन को हासिल कर सकता है,
और सभी जो लोग एफर्ट दे रहे हैं हकीकत में वही मुझे जानते हैं। जब मैंने काफी जन्म ले लिए हैं उसके बाद एक चतुर पुरुष मेरे पास आकर कहता है कि वासुदेवाय सर्वम, मतलब कि वासुदेव ही हर जगह हैं। श्री कृष्ण ईश्वर के हायर और लोअर दोनों पहलुओं को समझाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार लोअर पहलू हमारे 5 तत्वों के साथ हमारा माइंड, बॉडी और बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है, जबकि हायर पहलू जीवन जीने के माध्यम, जैसे कि हमारे अनुभव से बना है। ईश्वर ही सारे ब्रह्मांड का असली कारण है। श्री कृष्ण उदाहरण के तौर पर अपना ही एक्सपीरियंस बताते हैं, जो कि उनकी इस धरती पर खुशबू और अग्नि से आया हुआ प्रकाश है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि ऐसा कौन सा नकाब हमारे ऊपर लगा हुआ है जो हमें ईश्वर से अलग रखता है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि हमारी माया है, जो तीनों गुणों से बनी हुई है। सत्व मतलब अनुकूलता, राजस मतलब कर्म और तमस मतलब आलस। इन्हीं तीनों के फोर्स से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। क्या इस तरीके से हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, या हमें किसी प्रकार के इंसान की जरूरत है जो उस काम में फिट बैठता हो? श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बुरा काम करते हैं और एक होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करने वाले भक्त के नाम से जाने जाते हैं और श्री कृष्ण उन भक्तों को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें व्यथित, जिज्ञासु, मुक्ति की इच्छा रखने वाले और चतुर लोग आते हैं। इसमें से चतुर भक्त ईश्वर के प्रिय होते हैं, क्योंकि वो लोग ईश्वर को कहीं और नहीं बल्कि अपने आप में देखते हैं। बाकी 3 प्रकार के भक्त किसी कारण के लिए ईश्वर की तलाश करते हैं। ईश्वर को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इससे उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास मजबूत होता है और उनका अहंकार कमजोर बन जाता है। ऐसा होने तक ईश्वर उन सीमित देवताओं के माध्यम से फल देता है। ईश्वर का स्वभाव इन 3 गुणों, माइंड, बॉडी और सेंसेस, जो कभी जन्म नहीं लेती हैं और चेंज भी नहीं होती हैं, उनसे परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड से परे है, लेकिन जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब हम में से ज्यादातर लोग माया, ब्रह्मांड, समय और 3 गुणों के माध्यम से बंधे हुए थे। इस अध्याय को कंक्लूड करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वही लोग जो अपने सच्चे स्वभाव से ईश्वर की इच्छा रखते हैं, जिनके कर्म योग हमेशा इस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें उन साधनों को सीखने की जरूरत है जिनके द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप उससे बाहर निकलने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। अध्याय 8, इनपेरिशेबल ब्रह्मांड, अक्षय ब्रह्मा योग। अध्याय 8 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 7 सवाल पूछे और उनके श्री कृष्ण ने जवाब दिए। इस अध्याय का सबसे जरूरी सवाल जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा है वो ये है कि हम मरने के बाद ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे मेन टॉपिक है। इस अध्याय के शुरू में श्री कृष्ण ने मरने के समय के बारे में सोचा, जो हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। अगर ईश्वर का भी यही विचार है तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हम कब मरने वाले हैं, इसलिए श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें हमारी पूरी जिंदगी में ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए, जो अपने आप हमारा फाइनल थॉट बन जाएगा। इस थॉट को बदलने के लिए श्री कृष्ण ने हमें 3 प्रकार के मेडिटेशन के बारे में समझाया है। पहले टाइप का मेडिटेशन ईश्वर का विराट रूप है, और दूसरे टाइप के मेडिटेशन में हम ओम से शुरुआत करते हैं, जो कि ईश्वर का नाम है। ये दोनों प्रकार के मेडिटेशन हमें हमारे प्राण यानी जिंदगी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये मेडिटेशन हमारी कैपेबिलिटी से परे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण हमको 3rd टाइप का सिंपल मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण हमें जिंदगी भर ईश्वर को किसी भी रूप में याद रखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि तो फिर हमारे मरने के बाद क्या होता है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड घटन और विघटन के एक अनंत चक्र की तरह है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से भगवान ब्रह्मा के दिन और रात के रूप में दर्शाया गया है। भगवान ब्रह्मा के दिन और रात दोनों 4.32 बिलियन ईयर जितने लंबे होते हैं। हर एक रात के अंत में सारे जीवों की वापस से अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग दिन के अंत में फ्रीज हो जाते हैं और दिन के शुरुआत में पिघल जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि हम सब रचना और विघटन के ना खत्म होने वाले चक्र में बंधे हुए हैं। हम सभी लोग एक इसी एंडलेस साइकिल में सफर कर रहे हैं। जो इसमें अपने एफर्ट्स लगाता है वही वहां से बाहर आ सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मुक्ति को हासिल करने के लिए हमें काम करना चाहिए,
और यही भगवत गीता का सार है। इस अध्याय के एंड में श्री कृष्ण जीव और आत्मा के दो रास्ते से हमें वाकिफ करा रहे हैं जो हमारे मरने के बाद मिलता है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि पहला रास्ता अंधकार वाला है और ये वही लोग हासिल कर पाते हैं जो लोग इस धरती पर अच्छे काम करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने कर्मों के लिए परिणाम को पाते हैं और जब वहाँ पर उनका हिसाब खत्म हो जाता है तब वो वापस जन्म लेते हैं और इस दुनिया में वापस से आते हैं। दूसरा रास्ता उजाले से भरा हुआ है जो भक्तों द्वारा पाया जा सकता है, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और धरती पर अच्छा काम करते हैं। मरने के बाद वो भगवान ब्रह्मा के पास रहते हैं और जब तक वो उनमें विलीन हो जाते हैं तब वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए इस अध्याय में और पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें भक्तों का रास्ता फॉलो करने के लिए कहते हैं। अध्याय 9, द योगा ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, राज विद्या योग। भगवद गीता के अध्याय 8 में श्री कृष्ण ने सृष्टि के निर्माण और विघटन के अनंत चक्र के बारे में बताया है और हम सभी इस चक्र में फंसे हुए हैं उसके बारे में भी बताया है। इस अध्याय में उन्होंने अर्जुन को इस अनंत चक्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही गहरा और गुप्त ज्ञान देना शुरू किया। यहाँ पर श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग से ईश्वर तक कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये रास्ता मुक्ति पाने की पूजा और अर्चना से भी आसान साधन है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ज्ञान क्या है। ईश्वर ही ब्रह्मांड का कारण है, हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से चलती है और हर चीज़ में ईश्वर है। जैसे कि वातावरण में हवा होती है, हम ईश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि हमारी सारी सेंसेस नाम और प्रेजेंस के लिए प्रोग्राम्ड होती हैं। ऐसे ही जैसे हम आसमान नीला देखते हैं लेकिन हकीकत में वो नीला नहीं है। ईश्वर अपनी शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड का परम कारण बन गए हैं जिसे हम प्रकृति के नाम से जानते हैं। प्रकृति कुछ नहीं पर 3 गुण है। प्रकृति का संचालन ऑटोमेटिक है और वो हर एक को अपने कार्य के अनुसार रिजल्ट देता है। ज़्यादातर लोग इस सिस्टम में फंसे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने कार्यों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जबकि ईश्वर इसी सिस्टम को देखने वाले हैं और वो किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं हैं। इसी शक्ति के साथ उन्होंने इस नाम और रूप की दुनिया बनाई है जिनकी वो देख रेख करते हैं और अंत में वो उसमें ही विलीन हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें प्रकृति के जाल से मुक्त होना है तो हमें हमारे पास जो ज्ञान है उसको बदलना होगा और हमारे अंदर से ईश्वर के लिए जो भी गलतफहमी है उसको निकालना होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण पहले गलतफहमी के बारे में बताते हैं कि इंसान ही ईश्वर का स्वरूप है। दूसरी गलतफहमी ये है कि मैं ही शरीर, माइंड और इंटेलेक्ट हूँ। तीसरी गलतफहमी है कि एक ही भगवान की पूजा करने से हमें परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। पर इस अध्याय में श्री कृष्ण इन सभी गलतफहमी को दूर करते हैं। इन सारी गलतफहमी को दूर करने का सबसे सही उपाय है कि हम ईश्वर की पूजा करें, मतलब कि हम भक्ति का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण इसको हमारी रूटीन लाइफ में लाने के बहुत सारे रास्ते बताते हैं। हमें लगातार ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि वही सब चीज़ों का कारण है कि ज्ञान यज्ञ से जाना जाता है। हमें हमारे सारे काम को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। हमें ईश्वर को सब लोगों में, चीज़ों में और सारी सिचुएशन में देखना शुरू करना चाहिए। श्री कृष्ण काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिखाते हैं, जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में और मौसम के बदलाव में ईश्वर को देख सकते हैं। आगे श्री कृष्ण 2 तरीके के भक्तों के बारे में बताते हैं। एक होते हैं इच्छा ओरिएंटेड भक्त जो अपना काम करते हैं जिससे उनको मरने के बाद स्वर्ग मिले और उनके पाप खत्म होने के बाद वो वापस धरती पर आएं। दूसरे भक्त वो होते हैं जो निष्काम हैं या कोई इच्छा नहीं रखते, जिनको सिर्फ ईश्वर चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा डिजायरलेस भक्तों का ही ध्यान रखते हैं और उनको सही समय पर जो चाहिए जैसे खाना, छत, पैसा, ज्ञान और गुरु देते हैं। भक्ति की महिमा है कि यह हर किसी के लिए, पापियों से लेकर महान संसारिक लगाव से सभी लोगों के लिए सुलभ है। हम सभी अपने जीवन में किसी भी पॉइंट पर पूजा कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि हमें भक्ति का मार्ग शुरू करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण संदेश देते हैं, अपना मन मुझ में रखो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्रति समर्पण करो। अध्याय 10, डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ योगा, विभूति योग। भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि उनका स्वभाव भगवान की उत्तम अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार सारे भगवान और पवित्र इंसान उनके ही अवतार हैं।
यहाँ श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कि सूर्य भगवान, इंद्रदेव जिनका शांत स्वभाव भी उनका ही है, और इंद्र भगवान का रुद्र रूप भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, यहाँ श्री कृष्ण अपने आप को इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से दर्शाते हैं, जैसे कि सुख और दुख, साहस और डर। जो इंसान श्री कृष्ण के इन दोनों अवतार को मान लेता है वही इंसान रीबर्थ की साइकिल से मुक्त हो सकता है। जब ऋषि मुनि ध्यान करते हैं तब वो भगवान के साथ मिलने की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पूजा करने के अलग अलग स्वरूप के बारे में बात करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही सभी चीज़ों का सोर्स है, और इसके लिए पूजा ही देवता की स्थिति में प्रवेश करने का उच्चतम स्रोत है। श्री कृष्ण को सुनने के बाद अर्जुन ये मानने लगे कि जो भी श्री कृष्ण ने उन्हें कहा है और समझा रहे हैं वही एक उच्चतम स्वरूप है। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा दर्शाए गए दूसरे अभिव्यक्ति के बारे में भी जानना चाह रहे हैं जिसे वो हमेशा पहचान सके। इसलिए श्री कृष्ण ने सारे अभिव्यक्तियों और उनके अवतारों की सूची बनाई, जिसमें उन्होंने अपने आप को, ओम को, हिमालय के पहाड़ों को, विष्णु भगवान को और शिवा के रिवर्त को शामिल कर लिया। इस अध्याय में श्री कृष्ण योग के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने सारे अवतार के बारे में बता दिया, फिर भी अर्जुन को श्री कृष्ण के एक अवतार के बारे में जानना है जिससे वो सही मायने में पूजा कर सके। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि श्री कृष्ण हर जगह हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा अभी का जो स्वरूप है वही रणभूमि के रथ में है और हमें इसी स्वरूप की पूजा करनी है। पर अभी भी अर्जुन को श्री कृष्ण के सारे डिवाइन फॉर्म्स के बारे में जानना है जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। भगवद गीता के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण योग कर्म और योग की समझ का क्या कनेक्शन है वो समझाते हैं। दूसरे शब्दों में जब इंसान अपने कर्मों द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तब भगवान उनको बुद्धिमत्ता भी देते हैं। इसी तरीके से योग कर्म और योग की समझ मिल जाती है। अध्याय 11 द कॉस्मिक विजन विश्व रूप दर्शन योग। भगवद गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जो भी समझाना चाह रहे थे वो समझ गए हैं। यह अर्जुन श्री कृष्ण को उनका उत्तम स्वरूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसके जवाब में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप और महिमा दिखाते हैं। इस विराट स्वरूप में श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ब्रह्मा अपने में समाया हुआ दिखाते हैं, जिसमें सारे देवी देवता और उनके भी भगवान को शामिल कर लेते हैं। श्री कृष्ण का ये स्वरूप भयानक था और वो अपने हजारों सर, दांत और हथियार दिखाते हैं। अर्जुन उनके स्वरूप से स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ अर्जुन ने जो देखा उसको डिस्क्राइब करते हैं। अर्जुन ने यह भी देखा कि श्री कृष्ण कौरवों को मार रहे हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं कि इस भयानक स्वरूप में आप कौन हैं। इस जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मृत्यु हैं और अर्जुन आपको इस रणभूमि में कौरवों की परवाह किए बिना लड़ना होगा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कौरव तो मर ही चुके हैं, अर्जुन आप सिर्फ एक साधन हैं। अर्जुन अपने घुटनों पर बैठकर श्री कृष्ण को अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का अत्यंत विराट रूप देखकर डर गए थे और श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि वो अपने असली स्वरूप में आ जाएं, जो उनका इंसानी स्वरूप है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उन्होंने उनका ये विराट स्वरूप अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया है। वो बड़ी नम्रता से अर्जुन को कहते हैं कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर शांत और खुश रहें। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमारे माइंड के ऊपर फोकस डालते हैं। वो कहते हैं कि हमारे माइंड में कुछ लिमिटेशंस हैं। वो किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और किसी भी चीज़ के पीछे धकेला जा सकता है। इसको समझाने के लिए श्री कृष्ण हमें ईश्वर का अभी का स्वरूप दिखाते हैं और फिर उसका विराट स्वरूप भी दिखाते हैं। अभी जो भी हो रहा है या मौजूद है वो सब ईश्वर का अच्छा रूप है और वो अपने गुस्से से इन सब का विनाश भी कर सकते हैं। बाद में श्री कृष्ण इस बात पर जोर डालते हैं कि निर्माण और विनाश को एक ही पहलू पर देखना चाहिए, क्योंकि विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है। इन दोनों को इस ब्रह्मांड में जगह दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे कर्म इस धरती पर बहुत थक जाते हैं तब हमारा विनाश होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसका विनाश होगा। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर को कैसे पाना है उसकी जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि अनन्य भक्ति इसका मुख्य नियम है, जो कर्म योग, ज्ञान योग के साथ जुड़ जाता है और हमें पसंदगी, नापसंदगी और लगाव से मुक्त कर देता है। इसी से हम ईश्वर के कॉस्मिक यानी कि लौकिक रूप को पा सकते हैं। अध्याय 12 द योगा ऑफ डिवोशन भक्ति योग। इस अध्याय में
अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या बेहतर है श्री कृष्ण के लिए भक्ति भाव से प्रेम करना या स्वार्थ के लिए भगवान को प्रेम करना। यहाँ श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दोनों मार्ग से समझ पैदा होगी, लेकिन इंसानी अवतार के लिए गीता में भक्त भाव से प्रेम करने की सिफारिश की गई है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण को उनके असली रूप में पूछना भक्त को एक क्लियर फोकस देता है। इसके अलावा श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी चीज़ों की अनुमति देने वाले हमें सार के रूप में भगवान के विशाल स्वरूप की पूजा करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से भक्तों को ज़्यादा समझ आती है और इसमें ज़्यादा काम शामिल है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि श्री कृष्ण पर पूरी तरीके से मेडिटेट करने से श्री कृष्ण उनको अपने पास बुलाते हैं। अगर आप इस तरीके से मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एक भक्त की तरह श्री कृष्ण उनको अपने पास सबसे अंत में बुलाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को योग में परफेक्ट कैसे बनना है उसके बारे में समझाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्टली श्री कृष्ण के ऊपर ही ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण हमें बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण हमारे माइंड को एक ही डायरेक्शन में ध्यान देने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण एक संदेश देते हुए कहते हैं कि जिस योगी का माइंड पूरी तरह से केंद्रित है और एक ही दिशा में काम करता है वो हमेशा मेरे अंदर रहता है। यही एक तरीका है जिससे आप मृत्यु और जन्म के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर कोई इंसान इसमें सफलता नहीं पाता है तो उनके लिए भक्ति मार्ग डायरेक्ट कर्मों से बन जाता है, जो आगे जाकर अलग तरीके से सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ये भी काम नहीं आता है तो श्री कृष्ण उस इंसान को अपने काम के परिणामों के लिए अपनी उदासीनता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। इस अध्याय के सार के रूप में श्री कृष्ण ने एक उत्तम भक्त होने की 39 क्वालिटीज़ को सूचित किया है और ये सारी हमें इंस्पायर करने के लिए बनाई गई हैं। इन सब क्वालिटीज़ में हम सारी नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट एक तो लेनी ही चाहिए, जिससे बाकी की क्वालिटीज़ को भी पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सारी क्वालिटीज़ में से संभाव, निस्वार्थता, लगाव ना होना और ईश्वर पर अटूट विश्वास को बार बार जोर दिया गया है। अध्याय 13 नेचर एन्जॉय एंड कॉन्शियसनेस क्षेत्र क्षेत्र जना विभाग योग। भगवद गीता के तीसरे भाग के पहले अध्याय में हमें दो नए पहलू से वाकिफ कराया गया है। सबसे पहला है क्षेत्र, जिसका मतलब है एक बड़ा जमीन का टुकड़ा, और क्षेत्रजन जिसका मतलब है जो उस जमीन के बारे में जानता है। यहाँ पे हम जमीन को अपने शरीर की तरह सोच सकते हैं और जमीन के बारे में जानने वाले को हमारे अंदर की आत्मा के रूप में देख सकते हैं। पर यहाँ पर जब हम जमीन को हमारी बॉडी से जोड़ते हैं तब हकीकत में वो हमारे दिमाग, बुद्धिमत्ता और ईगो के साथ साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि मेटीरियल एनर्जी, जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके साथ भी जुड़ जाता है। इसके अलावा जब हम जमीन को जानने वाले की बात करते हैं तो हमारी आत्मा को छोड़कर हमारे व्यक्तित्व के चारों तरफ के पहलू को दिखाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें हमारे शरीर की आत्मा के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फसल को काटता है, उसी तरह हम इंसान भी हमारे दिमाग में थॉट्स के बीज बोते हैं और उसी के एक्शन हम हमारे शरीर में करते हैं और हमारी मंजिल तक पहुँचते हैं। हमारे सारे रिजल्ट्स हमारे थॉट्स का ही परिणाम है। तभी कहा गया है कि जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। श्री कृष्ण जमीन के बारे में बताते हैं और जमीन के जानने वालों के लिए पुरुष और प्रकृति शब्दों द्वारा समझाते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले नेचर की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं और बाद में आनंद लाने वाले और करने वाले का कारण बनते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें कर्म, भक्ति, राजा और संख्या योग के सारे स्टेप्स का रोड मैप दिया है। श्री कृष्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में समझाते हैं कि अपने आप को अविनाशी ईश्वर के पास ले जाना और प्रकृति से अपने आप को दूर करना, जो सारे एक्शन और डाइवर्सिटी का गोदाम है। अध्याय 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने हमारी इस दुनिया में अस्तित्व के दो प्रॉब्लम्स बताए हैं। सबसे पहला है हमने हमारे रियल नेचर को अनदेखा कर दिया है, जो एक भ्रम पैदा करता है, लेकिन वो एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम पुरुष या जीव कहते हैं। हमारी जीवा हमारे तीन गुणों की प्रकृति का परिणाम है। इस अध्याय में श्री कृष्ण इन्हीं तीन गुणों से हम कैसे बाहर निकले उसके बारे में सिखा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को योग के अल्टीमेट ज्ञान को योग मास्टर्स ने कैसे हासिल किया है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो एक बीज देने वाले दाता हैं और नेचर हमारी को जहाँ से सारे लोग इस दो कॉम्बिनेशन को लेकर जाते हैं। इसके एडिशन में
श्री कृष्ण इसमें सत्व, राजस और तमस के बारे में समझाते हैं। ये सब इंसान के स्वभाव पर आधार रखता है। गुण हमें हमारे अंदर की आत्मा को हमारे शरीर से जोड़े रखता है, जिसमें सत्व ज्ञान और आनंद के साथ जुड़ा हुआ है, राजस जुनून और कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और तमस आलस और नींद के साथ जुड़ा हुआ है। इन तीनों में से सत्व के पास इंसान को ऊपर उठाने की ताकत है, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। दूसरे इंसान को रोकते हैं और नीचे गिरा देते हैं। मरने के बाद लोगों पर शासन करने वाले गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये उनके पुनर्जन्म के प्रकार को निर्धारित करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि किसी ने इन सारे गुण को पार कर लिया है। इसका श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि जिन्होंने इन तीन गुणों को पार कर लिया होता है, वो सब चीजों से दूर होता है और सुख और दुख में एक जैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण वापस से बताते हैं कि ईश्वर की जागरूकता और मेटीरियल पहलू हमें हमारे पूर्ण ब्रह्मांड में ऊंचाइयों पर ले जाता है। जीव जो ईश्वर की जागरूकता के साथ वाला पहलू है, जो हम सब में होता है, वो प्रकृति और मेटीरियल पहलू को दिखाता है। ये पहचान अज्ञानता का एक उत्पाद है, जो हमें अलग प्रकार के जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र में डाल देता है। उनके डिस्कशन के दौरान अर्जुन सवाल पूछते हैं, जिन्होंने इन तीन गुणों को पार कर लिया है, उनको हम कैसे पहचानेंगे? इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन तीन गुणों में से किसी भी गुण से प्रभावित नहीं हुआ है या इनमें से किसी भी गुण से जुड़ा नहीं हुआ है, ऐसे इंसान अपने शरीर सहित सारे ब्रह्मांड को गुण की तरह ही देखता है। ऐसा इंसान हर समय वस्तु, परिस्थिति और लोगों को पूर्ण रूप से एक समान देखता है। अध्याय 15, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख के दायरे में रहने वाले को एक पेड़ मानते हैं, जिसकी शाखाएं इन गुणों से भरी हुई हैं और जड़ें कार्य से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को सलाह देते हैं कि इस पेड़ को धारदार कुल्हाड़ी से, जो कि डिटैचमेंट है, उसे काट देना चाहिए और भगवान की राह पर निकल जाना चाहिए। जिन इंसानों में सेल्फ डिसिप्लिन होता है और योग के पाथ को फॉलो करते हैं, वो भगवान को अपने अंदर ही देखते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय सारे भागों से हटकर है। ये अध्याय सिर्फ गीता को ही नहीं, बल्कि अपने 20 श्लोक में सारे वेदों के बारे में बताता है। इसमें चार विषयों को शामिल किया गया है, जो किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ के सार में, जैसे कि दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है और मेरे और दुनिया के बीच में क्या संबंध है। ये अध्याय सबसे पहले इस दुनिया की प्रकृति को संबोधित करता है। इस दुनिया में हमारा अस्तित्व एक पेड़ की तरह है, जैसे एक फैमिली ट्री हो, जहाँ जड़ प्रकृति की हो सकती है, संचालित करने वाले ईश्वर हैं, सगुण ब्रह्मांड गुणों के साथ शाश्वत सार हैं, जबकि समासार, जो कि इस संसार में हमारा अस्तित्व है, इस पेड़ की बाहरी वृद्धि है। आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कि हमें अपने आप को डिजायर और एक्शन के अनंत साइकिल से दूर करना है। उदासीनता को अपने अंदर पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीधे पेड़ के स्रोत पर जाना, जो ईश्वर की शरण में है। ईश्वर हमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के माध्यम से जागृत करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सोना या अमृत के रूप में परिचालित होती है। केवल वो इंसान जिनके पास ज्ञान की आंख है, जिन्होंने कर्म और बुद्धि योग से खुद को शुद्ध करने के बाद शास्त्रों की शिक्षा को आत्मसात कर लिया है, वो खुद के अविभाजित स्वभाव को पहचानते हैं और बाकी सब भ्रम में जी रहे हैं। अध्याय 16, द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, देवासुर संपद विभाग योग। भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें हर इंसान के अंदर की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताते हैं। यहाँ श्री कृष्ण निर्भयता और मन की पवित्रता जैसे सारे अच्छे गुणों से जानकार कराते हैं, जिसमें शैतानी और अहंकार जैसे गुण भी शामिल हैं। श्री कृष्ण आगे ये बताते हैं कि ईश्वर गुण कॉन्फिडेंस और मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए पत्थर हैं, जबकि शैतानी गुण कभी ना खत्म होने वाले बंधन और दुख की तरफ बढ़ने वाली चिपचिपी ढलान है। इस अध्याय में श्री कृष्ण फिलॉसफी के बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि अत्यधिक भौतिकवाद को शैतानी नेचर से अलग नहीं माना जाता है। मेटेरियलिस्टिक लोग किसी भी मानवतावादी रूल्स या वैल्यूज पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुनिया को छोटे छोटे पार्टिकल्स या मटेरियल से जोड़कर बनाए गए वैसे रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग भ्रम और अज्ञान में फंस जाते हैं। ऐसे लोग खुशियाँ लाने की बजाय उनकी अपनी अनंत इच्छाएं ही उनको काफ़ी चिंताएं देती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार, अपने धन और अपने कार्यों के लिए
हमेशा अहंकार और गर्व पैदा करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि हर किसी से नफरत करके वो ईश्वर से भी नफरत कर रहे हैं, जो हर चीज़ में बसते हैं और वही सारी रचना का समर्थन भी करते हैं। इसके ऊपर ये लोग सोचते हैं कि वो सभी रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर हैं, पर वो लोग भूल जाते हैं कि वो लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर नहीं हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने किए गए कामों का फल ज़रूर मिलता है और सारे किए गए कर्मों के फल आगे उनके रास्ते में आते जाते हैं। अपने आप का ध्यान रखते रखते वो लोग भूल जाते हैं कि वो इंसान हैं और जानवरों की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए उन लोगों को जानवरों, कीड़ों और दूसरे एनिमल्स की तरह जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र में डाला जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय को एक अच्छा प्रैक्टिकल मैसेज देके एंड करते हैं। वो हमको एक बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं जो हमें हमारे जीवन और इस दुनिया में शांति और सुख देता है। इन सबसे बाहर आने के लिए हमको तीन चीज़ों को अवॉइड करना है, जिसमें इच्छा, क्रोध और लालच शामिल है। हम ऐसा करके अपने आप को अच्छा इंसान और प्रेरणा देने वाला और हमारे कामों को बढ़ावा देने वाला बनाता है, ना कि स्वार्थी बनाता है। अध्याय 17, द डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि इंसान के कौन से गुण ऐसे हैं जो पूजा करने में विश्वास करते हैं लेकिन शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास तीन तरीके के होते हैं और हर एक इंसान के इनर नेचर और कौन सा गुण उनके ऊपर हावी हो रहा है उसके ऊपर आधार रखता है। इसके बारे में आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि सात्विक प्रकृति के इंसान भगवान की पूजा करते हैं, जबकि राजसिक प्रकृति के इंसान देवता की पूजा करते हैं और तामसिक प्रकृति के इंसान भूत प्रेत की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण खाने को भी तीन भागों में बांटते हैं। सात्विक खाना फ्रेश, रसीला और हमको शक्ति देने वाला होता है। राजसिक खाना कड़वा, सॉल्टी और खट्टा होता है, जो हमें अनइजीनेस देता है, जबकि तामसिक खाना टेस्टलेस, बासी, ज़्यादा पका हुआ या खराब होता है। सात्विक खाना हमारी बॉडी, माइंड और स्पीच को कंट्रोल करता है। राजसिक खाना प्राइड और रिस्पेक्ट को पाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि तामसिक खाना हमें दूसरों को नुकसान देने और ज़बरदस्ती की पावर दिखाने के लिए प्रेरित करता है। सात्विक दान खुद के लिए दिया जाता है, राजसिक दान बेमन से और स्वार्थ से दिया जाता है, जबकि तामसिक दान डिसरिस्पेक्टफुली और गलत जगह पर दिया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सत्व एक ऐसा गुण है जो हमें भगवान और अपने आप से जोड़ता है। दूसरी तरफ राजस और तमस कभी भी पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा इंसान को भगवान से दूर ले जाते हैं। अभी भी शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी श्री कृष्ण कर्म वाले रास्ते को बढ़ावा देते हैं और बताते हैं कि हमेशा ज्ञान की ही जीत होती है। शास्त्रों के विरुद्ध जाके किया गया काम सही कार्य नहीं माना जाता है। अध्याय 18, द परफेक्शन ऑफ रिनन्सिएशन, मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण त्याग और सरेंडर करने के बीच के अंतर बताते हैं। श्री कृष्ण जोर देकर कहते हैं कि अगर प्राणी पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं, उन्हें कर्म के परिणामों को त्यागना होगा। वो आगे बताते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तब हमारे साथ हमेशा पांच तत्व जुड़े हुए होते हैं। ये पांच तत्व हैं हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा बर्ताव और हमारा सोसाइटी को दिया गया प्रदान। श्री कृष्ण इन कॉन्सेप्ट को, ज्ञान, कर्म और एजेंट को, उनके गुणों के आधार पर तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सात्विक ज्ञान हमें सिखाता है कि सभी इंसान विभाजितों के बीच अविभाजित हैं और कभी चेंज नहीं होने वाले और डिवाइड नहीं होने वाले प्राणी हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण उसके बारे में बात करते हैं जिसने खुद पर और योग में अपने आप को मास्टर किया। फ्रीडम की ये सिचुएशन कुछ अच्छे बिहेवियर जैसे कि नॉन अटैचमेंट, सोशल सुखों से अपने आप को डिटैच रखना और गहरे ध्यान में लीन हो जाना होता है। श्री कृष्ण सफल योगी के सबसे अलग करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वो आगे बताते हैं कि कैसे एक इंसान का दिल और दिमाग पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाते हैं और अल्टीमेट फ्रीडम को पाते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा, जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे पास जरूर आओगे और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूँ। इस अध्याय का एंड इस बात पर जोर देता है कि इंसान की योगिक शक्ति कैसे श्री कृष्ण को समर्पित है। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी सारी एनर्जी और फोकस को श्री कृष्ण को प्यार करने में लगा दो। हम में से जो भी कृष्ण को समर्पित है वो कैसे भी मुक्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का
जो लोग उनके लिए पूरी तरह से डिसिप्लिन है और भगवान के लिए भूखे हैं, उनकी मुक्ति का सीक्रेट है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो सच्चाई सीखी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं और युद्ध करने के लिए वादा करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जब मैंने पहली बार भगवद गीता को पढ़ा था तो मुझे बहुत सी ऐसी सीख मिली थी जो मैंने सुनी तो बहुत बार थी लेकिन कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसको बार बार पढ़ने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब बदलाव ला पाया जो शायद एक वक्त में सपने जैसे थे। अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ खास सीखा है और आपने फैसला किया है कि आप उसको हमेशा याद रखेंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जब जब वक्त मिले इस वीडियो को देखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।